आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बैक टू बैक विनिंग मैच प्रेडिक्शन के साथ। हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञानकोश और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग 2024 के 29वें मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा कराची किंग्स और पेशावर जालमी के बीच। ये मुकाबला 11 मार्च को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग रात 9:30 से नेशनल बैंक क्रिकेट एरेना स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, करेंगे टीम का कंपैरिजन और जानेंगे कौन सी टीम जीतने वाली है इस मुकाबले को। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। बात करें अगर इन दोनों के बीच हुए हेड टू हेड मुकाबलों की, तो इन दोनों के बीच अभी तक कुल 20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से कराची की टीम 15 मुकाबलों में जीती है, वहीं 5 मुकाबलों में पेशावर जालमी ने जीत हासिल की है। हेड टू हेड मुकाबलों के अकॉर्डिंग यहाँ पर कराची का पड़ा काफ़ी ज़्यादा भारी नजर आ रहा है। अब बात करें अगर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की, तो हमें कराची किंग्स की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे कप्तान शान मासूद, टिम सेफर्ट, जेम्स वाइन, शोएब मलिक, किरण पोलार्ड, इरफान खान, अनवर अली, हसन अली, अराफात मिनहास, जाहिद महमूद और ब्लेसिंग मुजरबानी। कराची की टीम देखने में काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रही है, क्या इस मुकाबले को जीत पाएगी। इससे पहले बात करेंगे हम क्या रहेगी पेशावर जालमी की प्लेइंग 11। तो हमें पेशावर की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे सैम अयूब, कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद हारिस, टॉम कोहलर कोडमोर, हसीबुल्ला खान, रोमन पावेल, आमिर जमाल, लुइक वुड, नवीन उल हक, मेहरान मुमताज और खुर्रम शहजाद। दोनों ही टीमों का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर टॉप ऑर्डर में दोनों ही टीमें काफी स्ट्रांग नजर आ रही हैं, वहीं इन फॉर्म भी हैं। वहीं अगर मिडल ऑर्डर की बात की जाए तो यहाँ पर मिडल ऑर्डर में भी दोनों ही टीमें लगभग बराबर हैं। दोनों ही टीमों के पास अच्छे खासे हार्ड हिटर बल्लेबाज मौजूद हैं। वहीं अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो यहाँ पर बॉलिंग लाइनअप में हल्का सा पड़ा पेशावर का भारी नजर आ रहा है। तो इन दोनों के बीच हमें एक बेहतरीन हाई स्कोरिंग जैकपॉट मुकाबला देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो ये मुकाबला खेला जाएगा कराची नेशनल स्टेडियम कराची में। यहाँ की पिच आमतौर पर बैटिंग फ्रेंडली रहती है और यहाँ पर पेस बॉलर्स को भी अच्छी खासी मदद देखने को मिलती है। यहाँ के फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 180, वहीं सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 164 रन है। यहाँ पर आज जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के पास जीतने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। साथ ही यहाँ पर बारिश होने के चांसेस 41% है, जिससे कि अगर मैच बारिश के चलते रुकता है तो यहाँ पर ओवर में कटौती होगी और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के पास जीतने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। यहाँ का हाईएस्ट टोटल 229 रन है, वहीं लोएस्ट टोटल की बात की जाए तो 101 है। यहाँ पर अभी तक हाईएस्ट चेज 209 हुए हैं। हमने बात की दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की, पिच रिपोर्ट की और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। अब वक्त है हमारी फाइनल प्रेडिक्शन का। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम को इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि वहाँ पर टॉस की अपडेट, मैच की अपडेट तो आती आती है, इसी के साथ सेशन भी वहीं पर प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो अदर लीग चल रही है, अदर मैचेस चल रहे हैं, उनकी भी प्रेडिक्शन आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाती है, वो भी बिल्कुल ही फ्री, 99% करेक्ट एक्यूरेट रिपोर्ट के साथ। इसलिए ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात करें अगर अपने पर्सनल प्रेडिक्शन की, तो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस मुकाबले में मैच विनर रहने वाली है पेशावर जालमी। हाँ दोस्तों, हमारे अकॉर्डिंग पेशावर इस मुकाबले को जीत रही है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। टॉस मैच के साथ साथ सेशन और वुमेंस लीग की भी प्रेडिक्शंस वहीं पर आएंगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।